नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुनवीं खबर। भारतीय रिजर्व बैंक वालों ब्याज दरां च कोई बदलाव नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब डॉलर के सब तो उच्चे पद्धर ते। लोकसभा चोणां लई कांग्रेस पार्टी ने अपना चोन मैनीफेस्टो किया जारी। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के उड़ी खेतर विच अतवादियों की घुसपैठ की नाकाम। गोलीबारी च इक अतवादी हलाक। सीबीएसई ने स्कूलों च योग्यता आधारित सवालों की गिनती वधाई। सुरजीत महिला हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट आज तो जलंधर के बल्टन पार्क विखे। खबरां विस्थार नाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरां च कोई बदलाव नहीं किया। यह दरां 6.5% ते बरकरार रखियां ने। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई च हुई चालू वित्तीय साल की पहली मुद्रा नीति कमेटी की मीटिंग च लए गए फैसलों की जानकारी दिंदिआं कहा कि पिछले 9 महीनों च प्रचून महंगाई दर च गिरावट देखी जा रही थे। इस 4% की दर से लियाउण लई यतन जारी रहणगे। उन्होंने कहा कि भारत में विकास दर ते वित्तीय अनुशासन कारण स्थिति काफ़ी मजबूत है। शक्तिकांत दास ने कहा कि पेंडू मंग च सुधार होने नाल अर्थव्यवस्था दे बेहतर रहने की उम्मीद है। उन्हां दस्सिया कि बैंकां ते दूजे साधनां राहीं कारोबारी सैक्टर नूं 31.2 लाख करोड़ का कर्जा मुहैया करवाया गया है। उन्हां दस्सिया कि भारत दा विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब डॉलर के सब तो उच्चे पद्धर ते है। उन्हां आख्या कि वित्तीय स्थिरता लई सारे ही हितधारकां दा योगदान बहुत जरूरी है। असैसमेंट ऑफ द इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स एंड द आउटलुक The Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. लोकसभा चोणों के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने आज अपना चोन मैनीफेस्टो जारी किया। लोकसभा चोणों लई मैनीफेस्टो जारी करन वाली कांग्रेस देश दीआं 2 वड्डीआं पार्टियां चों पहली पार्टी बन गई है। इस मैनीफेस्टो च कांग्रेस ने अगले 5 सालां दे अपने दूरदर्शी दस्तावेज का खुलासा किया। पार्टी पहला ही अपनी 25 गरंटियां का खुलासा कर चुकी है, जिसनों न्याय के 5 थंब अर्थात 5 न्याय का नाँ दिता गया। इन्हां च युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय ते हिस्सेदारी न्याय शामिल ने। मैनीफेस्टो नूं न्याय पत्र का नाँ दिता कांग्रेस दे दिल्ली स्थित मुख दफ्तर तो जारी किए गए इस मैनीफेस्टो समय कांग्रेस प्रधान मल्किया अर्जुन खड़गे, पार्टी की सबका प्रधान सोनिया गांधी ते राहुल गांधी, जनरल सकत्तर केसी वेणुगोपाल ते सबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी मौजूद सन। भारतीय चोन कमिशन ने आम आदमी पार्टी के नेता ते दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार च मंत्री आतिशी मारलेना नूं नोटिस जारी किया है। कमिशन ने आतिशी ते आदर्श चोन जाबते की उलंघना का दोष ए उन्हां नूं 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने लई आख्या गया। आतिशी ने इल्जाम लगाया सी कि उन्हां समेत आम आदमी पार्टी के कुछ होर नेतावां नूं भारतीय जनता पार्टी च शामिल करन दा दबाव बनाया गया सी। चोन कमिशन ने लोकसभा चोणों तो पहला उन्हां सारे 11 सूबियां दे अधिकारियों नूं तलब कीता जिथे साल 2019 दीआं लोकसभा चोणों च राष्ट्रीय औसत तों वी घट मतदान होया सी। कमिशन अनुसार आउंदीआं लोकसभा चोणों च मतदान फीसद वधाउण लई सारे ही सूबियां दे अधिकारियों नूं जागरूकता प्रोग्राम अते होर गतिविधियां तेज़ करन लई आख्या गया। कमिशन ने घट मतदान वाले सूबियां दे जिला चोण अधिकारियों ते कमिश्नरां नूं मतदान दा फीसद वधाउण दे मुद्दे ते गल्लबात करन लई अज नवीं दिल्ली च कमिशन दे दफ्तर च इक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी है। मीटिंग च घट मतदान फीसद नाल जुड़े मुद्दे ते सवाल जवाब भी होणगे। कमिशन दा मन है कि इन्हां खेतरां च घट मतदान दे पिछे वोटरां दे रवैये दे नाल नाल स्थानक प्रशासन की लापरवाही भी नजर आउंदी है। जिक्रयोग है कि पिछलियां लोकसभा चोणां च मतदान की राष्ट्रीय औसत 67.4% सी, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान ते झारखंड दे 50 लोकसभा खेतर अजे सन जिथे राष्ट्रीय औसत तों घट मतदान होया सी।
भारतीय हवाई फौज ने एमरजेंसी की स्थिति च अपने जहाजों को किसी भी थान से उतारने लिए देश के वख-वख सूबों च हवाई पट्टी सहूलतों का नैटवर्क स्थापित करने का काम शुरू कर दिता है। हवाई फौज ने पिछले हफ्ते गगन शक्ति अभ्यास दौरान कश्मीर घाटी के उत्तरी सैक्टर में इस तरह की एमरजेंसी हवाई पट्टी से चिनूक हैलीकॉप्टर NIA लॉन्च किया। इस तरह 17 होर उन्नत हल्के ध्रुव हैलीकॉप्टर उतारे गए थे। बड़ी गिनती च फौज को उत्थे पहुंचाया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई फौज वख-वख सूबा सरकारों के प्रशासन नाल तालमेल करके देश भर च अजिहियां एमरजेंसी हवाई पट्टी सहूलतां बनाउण दी योजना बना रही है। मंत्रालय ने आखिया कि इन्हां हवाई पट्टियां ते हवाई फौज के लड़ाकू जहाजों ते हैलीकाप्टरां नूं उतारन दा अभ्यास किया जाएगा। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के उड़ी सैक्टर च अतवादियों की एक घुसपैठ को नाकाम कर दिता है। भारतीय फौज के एक बुलारे ने दसिया कि जवानों ने सबुरा नाल रुस्तम नेड़े कंट्रोल रेखा के नाल कुछ शक्की व्यक्तियों दी गतिविधियां देखियां ते उन्हां नूं ललकारिया। घुसपैठियों ने जवानों ते गोलियां चलाईयां जिसके जवाब च जवानों ने भी फायरिंग की। इस गोलीबारी दौरान घट्टो घट्ट एक अतवादी के मारे जाने की सूचना भारतीय फौज की चिनार कौर ने सोशल मीडिया एक्स से पाई एक पोस्ट में कहा कि भारतीय फौज ने कंट्रोल रेखा नेड़े अज सवेरे अतवादियों वालों की जा रही घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। अतवादी सबुरा नाला राही भारतीय खेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे सन। भारत ने कहा है कि देश दी ऊर्जा सुरक्षा लोड़ां नूं ध्यान में रखदे ही तेल की खरीद नाल संबंधित फैसले लए जांदे ने। रूस तो तेल खरीदने लगाई गई कीमत हद के दूजे गेड़ के मद्देनज़र विदेश विभाग के बुलारे रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत कौमांतरी बाजार च उसी देश तो तेल खरीदता है जिथे सस्तियां कीमतों ते तेल उपलब्ध हुंदा है। पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा नाल जुड़ी कोई भी चीज़ कौमांतरी बाजार चों देश की लोड़ नूं ध्यान में रखदे ही खरीदी जाती है। उन्होंने आखिया कि देश लई ऊर्जा सुरक्षा लोड़ वधेरे अहम है ते इस नूं यकीनी बनाउणा साडा सारियां दा फर्ज़। दिल्ली स्थित एम्स ने निमोनिया के इलाज लिए एक स्वदेशी टीके का सफल परीक्षण किए। इस परीक्षण तो बाद इस टीके निमोनिया मुक्त भारत मुहिम तहत राष्ट्रीय प्रोग्राम शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। देश की बड़ी आबादी निमोनिया तो पीड़ित है। इस बीमारी का सब तो ज्यादा प्रभाव महिलाओं से पैदा है। इस टीके के शुरू होने गर्भवती महिलाओं निमोनिया की बीमारी तो मुक्ति मिल सकेगी। निमोनिया एक या दोहां फेफड़ियां हवा दी थैलियां सोजिश पैदा करने वाला रोग है जिस नाल साह लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी दौरान हल्का बुखार एक हफ्ते तो बाद सुकी खंघ ठंड छाती का दर्द घट भुख लगनी इसके मुख लक्षण ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने विधिक सैशन 2024-25 ग्यारहवीं ते बारहवीं दी प्रीख्यावां च ज्यादा योग्यता आधारित सवाल शामिल करन दा फैसला कीता है। बोर्ड ने बहु बदलवें केस आधार ते योग्यता आधारित सवालों की फीस 40 तो वधा के 50 कर दिती है जबकि ऑब्जेक्टिव ते लंबे जवाबों वाले सवालों नूं 40 तो घटा के 30% कर दिता है। जिक्रयोग है कि योग्यता आधारित सवाल वास्तविक जिंदगी के हालात नाल संबंधित हुंदे ने। इन्हां सवालों राहीं विद्यार्थियों की उच्च पदरी सोच की समीख्या की जाती है। बोर्ड के एक बुलारी ने आखिया कि राष्ट्रीय सिख नीति 2020 मुताबिक बोर्ड ने स्कूलों च योग्यता आधारित सिक्ख्या के अमल लिए कई कदम चुके ने। इन्हां च अध्यापकां अते विद्यार्थियों के वसीलियां ते विकास के नाल नाल अध्यापकां की निरंतर समर्था निर्माण का मुद्दा भी शामिल है। सुरजीत महिला हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट अज तो जलंधर के बल्टन पार्क विखे शुरू हो रहा है। सुरजीत हॉकी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इकबाल सिंह संधू अनुसार महिलाओं के हॉकी टूर्नामेंट लीग कम नाकआउट के आधार से खेडिया जाएगा। उन्होंने दसिया कि इस टूर्नामेंट पंजाब 11 रेल कोच फैक्टरी कपूरथला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोनीपत उत्तरी रेलवे दिल्ली सेंट्रल रेलवे मुंबई CRPF दिल्ली हरियाणा 11 और जूनियर बैंक ऑफ इंडिया मुंबई दीमां शामिल ने। उन्होंने दसिया कि 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट कुल 16 मैच खेडे जाएंगे। सैमीफाइनल तीजी से चौथी पोजिशन का मैच और फाइनल मैच 7 अप्रैल में खेडे जाएंगे। उन्होंने दसिया कि मैच दिन वेले फ्लड लाइटा हेठ खेडे जाएंगे। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक आ रहे हैं DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चुनिया खबर एक बार फिर तो भारतीय रिजर्व बैंक वालों ब्याज दर च कोई बदलाव नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब डॉलर के सब तो उच्चे पद्धर से। लोक सभा चोणों लई कांग्रेस पार्टी ने अपना चोन मैनीफेस्टो किया जारी। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के उड़ी खेत्र में अतवादियों की घुसपैठ की नाकाम। गोलीबारी च एक अतवादी हलाक। CBSE ने स्कूलों च योग्यता आधारित सवालों की गिनती वधाई। सुरजीत महिला हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट अज तो जलंधर के बल्टन पार्क विखे। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दियो, नमस्कार।